दोस्तों अक्सर आप लोग पूछते हो कमेंट्स में कि स्पेयर पार्ट्स की जो शॉप है वो खोलने में कितनी लागत लग जाती है, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन के जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो इकट्ठे डालें या फिर एसी स्पेयर पार्ट का अलग से काम करें, फ्रिज और वॉशिंग मशीन का छोड़ देते हैं, तो इस तरीके के सवाल आते हैं। तो मैं उन पर आज आपको एक दो टिप्स बताना चाहूँगा जो मेरा एक्सपीरियंस है। देखिए सबसे पहली बात ये कि आपके एरिया में आपको देखना पड़ेगा टेक्नीशियंस का, आपको हाव भाव पढ़ना पड़ेगा कि वो ओरिजिनल काम करते हैं या लोकल गैस डालते हैं। सबसे पहली बात ये कि अगर आपको किसी भी टेक्नीशियन का, अपने कस्टमर का यही नहीं पता होगा कि वो लोग खरीदते क्या हैं, तब तक आप नहीं जीत पाओगे इस बिज़नेस में। हाँ, बिज़नेस बहुत अच्छा है, आपको हमेशा कामयाबी ही मिलेगी, कभी भी मार नहीं खाओगे, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट, देखिए कोई भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं है जो कि खराब होने वाला है, कोई प्रोडक्ट ऐसा नहीं है। हाँ, कॉपर पाइप एक ऐसी चीज़ है जो कि नाले के आसपास अगर आपका है तो आपको थोड़ा सा ढक के रखना पड़ता है, बाकी कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो कि समय के साथ ख़राब हो जाएगी। अब आ जाते हैं कि कस्टमर की डिमांड क्या है। देखिए जैसे मेरे एरिया में जो है, मैं चार लोगों के बीच लगभग पाँच दुकानें हैं, एक मतलब घरों में भी किसी किसी ने खोल रखी है, तो यहाँ पर जो है मैं कंपटीशन के बीच में हूँ। तो यहाँ क्या है कि किसी का किराया लग रहा है, किसी का नहीं लग रहा है, तो सब अपने हिसाब से रेट रखते हैं, लेकिन सस्ते से सस्ता माल देने के चक्कर में उन्होंने लोकल गैसेस बेचनी शुरू कर रखी हैं। तो यहाँ पे मेरे एरिया में हर गैस लोकल बिकती है। तो मैंने भी जैसे अभी मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये जो सिलेंडर है ये R22 लोकल का है। तो आपको ये देखना होगा कि आपके एरिया में गैस कौन सी बिकती है अधिकतर। तो आप हमेशा शुरुआत करो तो 70-80% एरिया में भारत में लोकल गैस ही बिकती है, तो आप भी लोकल गैस ही रखें, ओरिजिनल रख के मेरी तरह आप बेवकूफ़ी ना करें। देखिए जैसे मैंने जो है अधिकतर पैसा फ्लोरोन में डाला हुआ है, देखिए ये फ्लोरोन, पीछे भी तीन चार सिलेंडर फ्लोरोन के आपको दिखेंगे, और देखिए यहाँ भी फ्लोरोन है, इधर भी फ्लोरोन है। तो आप कभी भी ऐसा ना करें, हमेशा आप जब भी शुरुआत करने की सोचें तो आप अपना बजट एक देख लीजिए पहले, क्या है कि इस काम के अंदर अगर आप सोच रहे हो कि 2-3 लाख रुपए में काम कर लेंगे और धीरे धीरे बढ़ा लेंगे, तो नहीं होगा। देखिए मैं आपको निराश नहीं कर रहा हूँ, आपको सच्चाई बता रहा हूँ कि 2-3 लाख रुपए में इसमें कुछ भी नहीं होगा। 2.5 लाख रुपए के आसपास तो ये समझ लीजिए कि नॉर्मल जो गैसेस हैं वो आएंगी आपकी, जो बड़े सिलेंडर हैं। अब क्योंकि 2.5 लाख रुपए की इसलिए मैं बात कर रहा हूँ, अगर लोकल भी ये खरीदोगे, कि एक एक गैस का एक एक सिलेंडर तो आप लोगे नहीं। जैसे R32 का एक सिलेंडर ले लिया या R410 का एक सिलेंडर ले लिया, क्योंकि दिल्ली के अंदर जो है हब है, दरियागंज हो गया, और भी बड़ी बड़ी कंपनीज जो है वो दिल्ली के अंदर है, और यहीं से पूरे भारत में माल सप्लाई होता है। अब आते हैं इस बात पे कि आप दिल्ली से बाहर जब एसी के स्पेयर पार्ट्स का, फ्रिज के स्पेयर पार्ट्स का काम करते हो तो आपको क्या दिक्कत का सामना करना पड़ेगा कम पैसे में। देखिए अगर आप एक सिलेंडर लेंगे तो एक सिलेंडर जब तक खाली नहीं हो जाएगा तब तक आप दूसरा सिलेंडर नहीं ले पाओगे। तो हमेशा आप जो गैस ज़्यादा बिकती है उसके कम से कम 3 सिलेंडर खरीदें, जो उससे थोड़ी कम बिकती है उसके 2 सिलेंडर खरीदें, और जो उससे भी कम बिकती है उसका 1 सिलेंडर खरीदें। जैसे R32 जो है वो सबसे ज़्यादा बिकती है और 1 सिलेंडर के अंदर 40 किलो ही आती है, तो इसीलिए उसके 3 सिलेंडर खरीदो। अब आते हैं R22 पर। अब R22 जो है उससे थोड़ी सी कम बिकती है, अब उसका क्या करो, आप उसके भी 3 सिलेंडर ले लो, क्योंकि धीरे धीरे आप 32 के एसी आते जा रहे हैं और 22 के अब खत्म हो चुके हैं, तो रेशो बराबर रख लो उसका, 3-3 सिलेंडर ये हो गए। R410 के 2 सिलेंडर रख लो, 1 सिलेंडर तो आप ये समझ लो उस गैस का रखो जो बिल्कुल ही बहुत कम बिकती है, जैसे R134। अब देखिए हमारे पास जो है R134 का 1 सिलेंडर रखा हुआ है, ये देखिए यहाँ पे ये फ्लोरोन का 1 सिलेंडर रखा है, ये पिछले 1 साल से रखा हुआ है, ये आज तक खाली नहीं हुआ है। मुझे पसीना आ रहा है, मैंने फ़ैन बंद किया हुआ है क्योंकि फ़ैन की आवाज़ जा रही है माइक में। तो अब आते हैं गैस के बाद, आते हैं इन गैसेस पर, ये कैंस है, देखिए आप ये देख लीजिए कि इन कैंस के ऊपर जो कैन में गैस आती है, इन गैसेस पर आप लगभग 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करोगे। ये देखिए हर तरह की आपको गैस खरीदनी पड़ेगी, R134 में 2 से 3 कंपनियों की आपको गैस खरीदनी पड़ेगी, R600 के अंदर आपको 2 से 3 कंपनियों की गैस खरीदनी पड़ेगी, इसी तरीके से आपको ब्यूटेन के अंदर लेनी पड़ेगी, ये देखिए ये 290 हो गई। तो इस तरह से आपको हर गैस की 2-3 कंपनियों से आपको लेनी पड़ेगी, हर मतलब 134 नंबर हो गई, 600 नंबर हो गई, 2-3 कंपनियों की आपको रखनी पड़ेगी। तो 1 लाख वहाँ चला गया आपका, 1 लाख रुपये आपका चला गया स्टैंड्स में। ये देखिए जैसे ये स्टैंड्स है, एसी के स्टैंड्स जो हैं
आपका 1,00,000 रुपये इनमें चला जाएगा। अब आते हैं बात किस पे, मोटर्स पे। अब आपका लगभग से लगभग 70,000 से 80,000 रुपये मोटर में चला जाएगा, जो आउटडोर की, इंडोर की, और मतलब इंडोर के साथ डालोगे तो 1,00,000 रुपये चला जाएगा। आउटडोर की मोटर और विंडो एसी की मोटर अगर आप डालोगे तो उसमें 1,00,000 रुपये आपका आराम से जाएगा। फिर उसके बाद कूलिंग कॉइल्स हैं, थर्मोस्टेट्स हैं, सेंसर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मेरा कहना है आपको ये कि अगर आपका बजट मिनिमम टू मिनिमम 5,00,000 रुपये है तो आप शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन आप फिर भी परेशान रहोगे। अगर आपका बजट 10,00,000 रुपये है तो आप एक ऐसी दुकान कर सकते हो जहाँ पे अगर सुबह से शाम 10 कस्टमर आते हैं तो 10 में से सिर्फ तीन ही वापस जाएंगे, 7 लोग आपसे सामान लेकर ही जाएंगे। तो रेशो इस तरीके से लगा लीजिए कि अगर 5,00,000 रुपये आप लगाते हैं तो 5,00,000 में अगर सुबह से 10 ग्राहक आते हैं तो 10 में से सिर्फ 4 ही लोग आपसे सामान ले पाएंगे, क्योंकि बाकियों का आपके पास मिलेगा नहीं। तो जितनी आप वैरायटी रखोगे, जितनी चीज़ें आप रखोगे उतना अच्छा है आपके लिए। तो बात आते हैं कंक्लूजन पे कि आपको ये काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए। कोई भी बंदा आपको ये कहे कि 1 से 2,00,000 रुपये में काम शुरू हो जाएगा, मेरे पास आ जाइए मैं माल दे देता हूँ, उसकी भूल कर भी नहीं सुनना है। 5,00,000 से कम में कभी भी कोई बात करे कि मेरे पास आ जाइए मैं माल दे देता हूँ, काम शुरू करा दूंगा, मत सुनना उसकी दोस्तों, फंस जाओगे। 10,00,000 रुपये में मिनिमम इसकी इन्वेस्टमेंट है, 10,00,000 रुपये से काम शुरू होता है। और आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपकी साइकिल क्या है, कितने दिनों में आप माल दोबारा मंगा सकते हो, और वो ऐसे पता चलेगा कि आप पहले मार्केट में अपना ये देखो कि आपके यहाँ पे कंपटीशन है या नहीं है। आपके एरिया में 1-2 कंपटीशन ज़रूर होने चाहिए, थोड़ी दूरी पे हो लेकिन हो, जिससे आपको ये पता चल जाए कि आपके एरिया में कितने टेक्नीशियंस हैं, कितना माल घूमता है। आप उनकी शॉप्स पे जाके देख लीजिए कितने कस्टमर हर 1 घंटे में आते हैं वहाँ पे, तो इस तरीके से आपको पता चल जाएगा। तो ये तो मेरी शॉप है जो कि मेरे पापा संभालते हैं और मैं संभालता हूँ। मैंने लड़का रखा था, वो चोरी कर रहा था तो मैंने उसको निकाल दिया था, तो ये सब चीज़ें थी। जैसे और एक चीज़ और बता दूं मैं आपको कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको ओरिजिनल भी रखनी पड़ेगी, जैसे कि R32 में, R32 के अंदर आप छोटा सिलेंडर या एक सिलेंडर बड़ा ख़रीद लीजिए, क्योंकि R32 अब कंटिन्यू चलने वाली गैस है आगे फ्यूचर में। और R32 में ऐसा नहीं है कि सभी लोकल खरीदेंगे, कुछ बंदे ऐसे भी आएंगे जो ओरिजिनल भी खरीदेंगे। और आज तो मेरे साथ क्या हुआ है कि जैसे मेरे पास ये देखिए ओरिजिनल फ्लोरोन की R32 है, ये देखिए सील, देखिए कितनी कितना प्रीमियम सिलेंडर है, ये देखिए कितना प्रीमियम सिलेंडर है। अब मैं जो हूँ ये R32 जो गैस है ये बेच रहा हूँ मैं दोस्तों, R32 गैस 550 रुपये किलो, जिसमें मैं विद GST बिल भी देता हूँ, GST का बिल भी दे देता हूँ। और लोग क्या है 470-480 रुपये में, 500 रुपये तक में भी लोकल गैस देते हैं, लोकल R32 गैस देते हैं। तो अब आप ये देख लीजिए कि मैंटेलिटी क्या है इस एरिया में कि हर टेक्नीशियन को चाहिए लोकल गैस। 32 में अगर वो उसको 50 रुपये सस्ती कहीं पे गैस मिल रही है ना, चाहे वो कूड़ा ही क्यों ना मिल रही हो, कितनी भी ख़राब गैस क्यों ना मिल रही हो, वो 50 रुपये के लिए वहाँ दौड़ के चला जाएगा। वो ये तक नहीं सोचेगा कि इसने ये बंदा मेरे को फ्लोरोन दे रहा था और वहाँ पे मेरे को कुछ ऐसा इस तरीके के सिलेंडर मिल रहे हैं। देखिए जैसे R410 ये लोकल है दोस्तों, कुछ किसी कंपनी का नाम नहीं है, ये देखिए ये लोकल है, ये मेरी मजबूरी है दोस्तों इसको रखना, ये देखिए। और मैं बता के देता हूँ, ये देखिए चारों तरफ घुमा देता हूँ, ये देखिए किसी कंपनी का नाम नहीं है, ये देखिए यहाँ, ये देखिए लोकल पे इस तरीके से वेट लिखा होता है, जबकि ओरिजिनल पे देखिए दोस्तों किस तरीके से, आपको 410 ही दिखा देता हूँ, ये देखिए 410, ये ना 410, ये 750 रुपये किलो है फ्लोरोन SRF कंपनी की। और ये 410 जो है, ये देखिए मैं आपको रेट दिखा देता हूँ, मैंने इस पर रेट भी लिखा होगा कहीं ना कहीं, शायद इस पर रेट नहीं लिखा, ये 500 रुपये किलो है। तो अब ये देखिए आप इस पे किस तरीके से वेट लिखा होता है, ये देखिए देख रहे हो दोस्तों कितना प्रीमियम लग रहा है। देखिए SRF की बैजिंग होती है यहाँ पे, देखिए ये देखिए ये प्लेट लगी हुई है। आप इस ये जो QR कोड दिख रहा है आपको, आप इसको स्कैन करके इस पूरे सिलेंडर की डिटेल ले सकते हो कि ये सिलेंडर कब से कब तक के लिए सर्टिफाइड है, तो पूरी डिटेल मिलेगी। देखना कितना प्रीमियम सिलेंडर है। तो किसी को मतलब नहीं है ओरिजिनल गैस से, सब खरीदेंगे इस तरह की लोकल गैस, 500 रुपये वाली गैस ढूंढेंगे और 450 रुपये किलो, जितना पैसा बच जाए उनके लिए अच्छा है, चाहे उनको 50 रुपये का पेट्रोल क्यों ना फूकना पड़े।
तो दोस्तों ये तो था आपके लिए, आपकी जानकारी के लिए कि कितनी इन्वेस्टमेंट होती है। आगे फिर कभी बताएंगे आपको किस किस सामान की ज़रूरत रहती है। और मेरी मानो तो हमेशा कभी भी काम शुरू करो तो मेंटली पूरा प्रिपेयर हो जाना, नुकसान खाने के लिए भी और मतलब आगे इन फ्यूचर प्रॉफिट में जाने के लिए भी, क्योंकि प्रॉफिट आएगा तो बहुत अच्छा आएगा और नुकसान आएगा तो आपका प्रोडक्ट में कोई नुकसान नहीं होगा, आपका नुकसान होगा तो सिर्फ किराए में होगा, बिजली में होगा और आपकी खुद की लेबरी में होगा, मतलब आपकी खुद की ये जो शरीर है, ये जो काम कर रहा है, इसकी भी एक लेबर होती है, इसकी भी एक कीमत होती है, तो आपको उसकी कीमत कभी कभी ऐसा होता है नहीं भी मिलेगी, तो उस चीज़ से आपको डरना नहीं है। तो इस तरीके के कुछ चीज़ें होती है इस काम में। वैसे काम बहुत अच्छा है, कोई भी कर सकता है इस काम को, जानकारी वैसे ज़रूर होनी चाहिए और जानकारी के लिए आपका भाई बैठा ही है। तो आगे भी फिर ऐसी वीडियोस बनाता रहूँगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं ऐसी किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्ते दोस्तों।